लैपटॉप के स्क्रीन पे आने के बाद क्या करना है, आपको फिल्मोरा ऑन कर लेना है। ये फिल्मोरा है तो हम इसको ऑन कर लेते हैं जी। ऑन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पर जाना है, यहाँ पर फाइल में जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको आना है यहाँ पर रिकॉर्डिंग मीडिया पे, रिकॉर्ड मीडिया, और ये दूसरे नंबर पे रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, इसको ओपन कर लेना है। और ये ओपन होगा, थोड़ा सा वेट करना है। ये ओपन हो गया, देखिए ये ओपन हो गया। तो ये माइक है, इस पे कट आ रहा है, तो इसका मतलब है जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब बाहर का जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं होगा। आइए, अगर हम ये जो है, अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये पीसी की रिकॉर्डिंग है। जैसे आपके पीसी में जो भी है, माउस के क्लिक की आवाज़ आएगा, वीडियो अगर कोई चल रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग होगा, जो पीसी की रिकॉर्डिंग वो होगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे। अगर आपको पीसी रिकॉर्ड करना है, स्क्रीन और उसकी आवाज़ भी रिकॉर्डिंग करना है, तो इसको ये खुला रहना है। इस पे ये जैसे ऐसे कर देंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं होगा पीसी का, तो इसको हम खोला रखेंगे। अगर आपको दोनों रिकॉर्डिंग करना है तो इस पर भी क्लिक कर देना है। जैसे मेरा, जैसे आप बाहर से कुछ बोल रहे हैं उसको भी रिकॉर्डिंग करना है, और पीसी का भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ये दोनों खुला होना चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए कि कैसे करना है। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या है, फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिखा है। तो फुल स्क्रीन करने के बाद पूरा पीसी का रिकॉर्ड करने का आप कस्टमर कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन है, तो फुल, ज़्यादा लोग फुल स्क्रीन करते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे उस पर सेटिंग कर लेना। और यहाँ पर आ रहा है सेटिंग, सेटिंग में हम जाएंगे, इसमें देखेंगे। देखिए पहले नंबर है सेव, हम वीडियो को जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसको सेव कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो में कर रखा है, तो आप जहाँ भी जाके आप सिलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए ये ई फोल्डर हो गया, इसमें हम इस रिकॉर्डिंग को सेव करना चाहते हैं, और यहाँ पर सिलेक्ट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो इसमें ए फोल्डर में मेरा रिकॉर्डिंग होगा। तो मेरे को ए फोल्डर में नहीं करना, मेरे को वीडियो में करना है, तो यहाँ पर वीडियो चॉइस कर लेंगे और उसके बाद सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखना है ये 30 है, तो इसको 30 ही रहने दें। कुछ भी यहाँ पर आप जाके सिलेक्ट कर लें, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट पे आप रखें, सही रहेगा, है ना। और यहाँ पर आपका काउंट डाउन लिखा है कि आप कितने सेकंड में अपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरा 3 सेकंड है, तो देखिए यहाँ पर दबाऊंगा तो 3 सेकंड के बाद क्या ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, अब मेरा जो भी है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। और इसको स्टॉप करना है, तो F9 दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाता है, जो लैपटॉप में पीसी में F9 होता है ना, तो उसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बंद हो गया। देखिए मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, इसको बंद कर देते हैं, तो ये बंद हो गया। ओपन करते हैं, यहाँ से क्या होगा, बंद होगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये स्टॉप रिकॉर्डिंग के बारे में लिखा है ना, कि आप कितना, आप सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, इसमें आप देख लेना। यहाँ पर माउस क्लिक का आवाज़ आएगा, जैसे रिकॉर्डिंग होता है ना, तो शो करेगा माउस क्लिक का, और ये आप माउस यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉज, और यहाँ पर लिखा है पॉज और रिज्यूम, रिज्यूम और पॉज, इसका F10 दबाएंगे तो रुक जाएगा, और F10 जलाएंगे तो, दबाएंगे तो फिर चलने लगेगा। और स्टॉप करना है, ये स्टार्ट करना है, तो F9 दबाना है आपको, ये स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। और लास्ट में है ये रिकॉर्डिंग कैमरा, अगर आपके पीसी में कैमरा है या लैपटॉप में कैमरा है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, है ना। तो ऐसे है, तो इसको हम स्टॉप कर देंगे। बस यही छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और दो चीज़ें माइक की भी है, ऑक्सीजन, अगर हम माइक लगाते हैं तो एक और ऑक्सीजन आता है, और यहाँ पर भी वही है, अगर हम यहाँ पर लैपटॉप में अपनी माइक को लगाएंगे या कोई भी लीड वो लगाएंगे, तो यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। तो ये छोटी सी वीडियो था, मुझे ऐसा ही आपको वीडियो पसंद आई होंगे, मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।